binomial theorem for non-integral index. मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. हाँ वो गायब था. थ्योरम फॉर नॉन इंटीग्रल इंडेक्स. नॉन बोलोगे नहीं तो मैं पैसे ले लूंगा. नॉन इंटीग्रल ऐसा इंडेक्स जो इंटीग्रल नहीं है. तो देखते हो अगर आपको a प्लस बी का पावर 2 बोला जाए तो बड़ी आसानी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखोगे. किंतु अगर a प्लस बी का पावर माइनस 1 बोला जाए तो कैसे करेंगे भाई साहब. अगर आपको a प्लस बी का पावर 1 बाय 2 बोला जाए तो कैसे करेंगे भाई साहब. नहीं मालूम. अभी कुछ ही क्षणों में आपको मालूम चलेगा. देखो a प्लस बी का पावर n इक्वल टू बोला मेरे साथ एन सी जीरो बी का पावर जीरो ए का पावर एन एन सी वन बी का पावर वन ए का पावर एन माइनस वन एन सी टू बी का पावर टू ए का पावर एन माइनस टू एन सी थ्री बी का पावर थ्री ए का पावर एन माइनस थ्री एन सी फोर बी का पावर फोर ए का पावर एन माइनस फोर एन सी फाइव बी का पावर फाइव ए का पावर एन माइनस फाइव. आपको ये बात मालूम? देखो तो ये हमें मालूम. तो जो हमें मालूम वो हम लिखते नहीं है. हम लिख देंगे 1 प्लस x टू द पावर n को ओपन करेंगे. जैसे हम 1 प्लस x टू द पावर n ओपन करना हो तो इसको ओपन करते हैं. ओपन करने का तरीका एन सी जीरो एक्स का पावर जीरो एन सी वन एक्स का पावर वन एन सी टू एक्स का पावर टू एन सी थ्री एक्स का पावर थ्री डॉट 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 एन सी एन एक्स का पावर एन एन के बदले पुट करूंगा माइनस वन. क्या चाहिए आपको? एन के बदले पुट करूंगा माइनस वन. पुट एन इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा बेड़ा गर्त. ठीक है आपको ज्यादा रिलेट हो रहा है क्या? जगह बेड़ा गर्त. देखो देखो माइनस वन सी जीरो मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर तुम्हें कुछ भी सेलेक्ट भी नहीं करना है. इसका क्या मतलब है माइनस वन सी वन? माइनस वन में से वन सेलेक्शन हो पाएगा? माइनस वन सी टू माइनस वन सी थ्री असंभव. तो माइनस वन सी आर क्या है ये पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. तो फिर क्या उपाय है? एक उपाय और है और वो उपाय है वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन सी जीरो का वैल्यू कितना होता है? एक्स टू दी पावर जीरो का वैल्यू कितना है? वन वन इंटू वन इक्वल टू इलेवन या वन. शाबाश. एन सी वन का वैल्यू कितना होता है? एन. एक्स का वैल्यू कितना होता है? और एन सी टू का वैल्यू होता है एन इंटू एन माइनस वन बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर बराबर. एन सी थ्री का वैल्यू होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय सिक्स. सही जा रहे हैं क्या भाई? ओके एक्स क्यूब. अगला बोलो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री बाय ट्वेंटी फोर इंटू एक्स टू द पावर फोर प्लस डॉट 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 बराबर. नाउ पुट एन इक्वल टू माइनस वन. अब आपको एक डिफाइंड वैल्यू मिलेगा. देखो इस केस में एन की वैल्यू माइनस वन पुट करने पर कोई भी डिफाइंड वैल्यू नहीं मिल रहा था. लेकिन इस केस में एन की वैल्यू माइनस वन पुट करने पर कोई कोई डिफाइंड वैल्यू जरूर मिलेगा. देखो जैसे पुट नाउ एन ओ आओ नाउ पुट एन इज इक्वल टू माइनस वन. क्लासरूम में कुछ अखंड शांति नहीं है क्या? बड़ी आविष्कारी व्यक्ति हो भाई. आपको तो ऐसे प्राकृतिक खोज करने चाहिए. एन के वैल्यू माइनस वन. आप वही हो ना जो फटे हुए दूध को फेविकॉल से जोड़ते हो. पुट एन इक्वल टू माइनस वन. अब पुट करूंगा क्या मिलेगा? वन प्लस एक्स टू द पावर इक्वल टू क्या कर दूंगा? वन. एन के बदले माइनस एक्स माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री
माइनस सिक्स बाय सिक्स माइनस वन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस सही जा रहे हैं हम माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर चार बार नेगेटिव पॉजिटिव 24 डिवाइडेड बाय 24 कितना प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर फोर आगे बोलो पैटर्न देखे माइनस एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर सिक्स माइनस एक्स टू द पावर सेवन प्लस एक्स टू द पावर देखो जरा ध्यान से अगर एक्स का पावर इवन है और सॉरी एक्स का पावर ऑड है या क्या आता है इवन है क्या आता है तो इस चीज को जस्ट इस चीज को लिखने के लिए एक तरीका होता है माइनस वन टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन बात समझ गया क्या तो आप बोलो वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन का एक्सपेंशन तैयार है क्या आपके सामने समझ गया वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन का एक्सपेंशन तैयार है और वो क्या है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर सिक्स माइनस एक्स टू द पावर सेवन प्लस एक्स टू द पावर एट प्लस डॉट 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 और जनरल टर्म क्या होगा माइनस एक्स टू द पावर एन बात समझ गया सबको क्या मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ आपको सुनाने में सुनने में दिक्कत हो रही है क्या बात कर रहे हैं सुनने में कैसी दिक्कत हो सकती है पंखा भी बंद है वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन इसका एक्सपेंशन खुल गया क्या नहीं खुला चलो फिर दूसरा खोलते एक्सपेंशन लौंडे बड़े असली जी जाती होते हैं यार मैं बोलते इस मतलब इस दूसरा खोलते बोलते क्या वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाय टू ये भी था ना ए प्लस बी पावर वन बाय टू उसे भी खोलते बोले क्या होगा एन के बदले क्या पुट कर दिए इसी इक्वेशन में अच्छा यहाँ वन बाय टू पुट करोगे तो हो जाएगा क्या नहीं आधा सी दो तेरे पास आधा है तो दो कैसे लेगा यहाँ भी नहीं होगा पर इस केस में काम कर जाएगा इस चीज का ही नाम रख देते ए अनारकली ठीक है तो पुट नहीं नहीं पुट एन इज इक्वल टू वन बाय टू इन ए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वन प्लस एक्स टू द पावर हाफ आप लोग इतना ज्यादा कैसे सोच लेते हो मैं इसको वन बाय टू बोलता हूँ वन बाय थ्री को क्या बोलोगे वन थर्ड शाबाश बेटे वुमन बोले क्या हो जाएगा वन ये क्या हो जाएगा x by 2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 by 2 into minus 1 by 2 into 1 by 2 तो minus 1 by 2 power 3 हो जाएगा सही जा रहे हैं हम देखो 1 by 2 अब 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 into एक बार 1 by 2 पहले था तो 1 by 2 into minus 1 by 2 into 1 by 2 equal to minus 1 by 8 रात तक समझ जाएगा आपको क्या किया मैंने वन प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय एट टाइम्स अयो वन बाय एट टाइम्स ऑफ एक्स का अब यहां रखूंगा वन बाय टू इसमें सोच है क्या बोलना चाह रहे हो और ऐसे बाल कौन काटा आपका नहीं वन बाय एट क्या करने वाले थे इधर कुछ करने वाले थे वन बाय टू साइज आर वन बाय टू ये तो हो गया वन बाय टू माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू तो दो बार नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा वन बाय टू थ्री बाय टू वन बाय सिक्स वो भी वन बाय टू ही हो जाएगा एक्चुअली वो थ्री बाय सिक्स है तो क्या वन बाय टू पावर फोर लिख दूँ सिंपलीफाई होकर वही होगा ना रात तक समझ जाएगा आपको प्लस के साथ वन बाय टू का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर थ्री अगला बोलो जरा वन बाय टू माइनस वन बाय टू
थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई टू क्या बनने वाला है ये पाँच इंटू तीन इंटू ये माइनस मिलने वाला है चलो इसको कर दिया माइनस और ये बन जाएगा पाँच ये बन जाएगा तीन तो पंद्रह डिवाइडेड बाय टू का पावर कितने बार आएगा वन बाई इसमें एक बार वन बाई टू इसमें एक बार वन बाई टू इसमें एक बार वन बाई टू इसमें भी एक बार वन बाई टू तो टू का पावर कितने बार फोर आई इन टू चौबीस भी आएगा चौबीस एक्स टू द पावर कितना फोर इस तरीके से आप एक्सपांड कर देंगे क्या समझा चलो अब एक काम करो पुट एन के बदले माइनस टू पुट करो तब ये एक्सपांशन बन जाएगा हो वन प्लस एक्स टू द पावर वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू जरा ओपन करो क्या होगा वन माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री प्लस सिक्स ना अब बाई टू कितना थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इसमें देखो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर है तो तीनों नेगेटिव है तो माइनस फोर एक्स क्यू अगला माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव तो टू थ्री फोर मिलकर चौबीस कट जाएगा क्या मिल जाएगा माइनस फाइव चारों नेगेटिव है क्या इसलिए प्लस एक्स टू दी पावर अगला क्या होगा माइनस सिक्स एक्स टू दी पावर एंड सो ऑन चलता रहेगा क्या क्या आपको ये नॉन इंटीग्रल इंडेक्स या नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स और दोनों दोनों टैकल किया ना मैंने इसलिए हेडलाइन ये भी देता हूँ नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स नॉन इंटीग्रल इंडेक्स या नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स दोनों के लिए आपने करना सीखा है अब इस पूरे को लिखने में कोई दिक्कत होगी आपको लिख लो फिर एनालिसिस फर्स्ट वन प्लस एक्स टू दी पावर एन ऐसे भी लिख देता हूं फॉर नॉन नेचुरल इंडेक्स ये जो है एनालिसिस वो नॉन नेचुरल इंडेक्स है पहला एनालिसिस फर्स्ट वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ना लेकिन कब जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू माइनस वन से भी बड़ी हो सकती क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी वाले नंबर माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाया करते हैं जिसका बहुत बड़ा पावर बहुत छोटा हो जाता है माइनस वन और प्लस वन के बीच के नंबर ऐसे होते हैं तो डालो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन और माइनस वन के बीच में होना चाहिए समझ गया क्या तो इस प्रकार से दूसरा एनालिसिस कि अगर आपको a प्लस एक्स टू दी पावर n कभी डिफाइन करना हो तो पहले आप इसे a टू दी पावर n टाइम्स ऑफ वन प्लस एक्स बाय a टू दी पावर n लिखना क्योंकि ये फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए तो यहाँ a दिया था इसलिए a का पावर n क्या कर दिया कॉमन निकाल लिया ये समझा आपको और ऐसा करने के बाद अब इसको सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स में लिखा सकते हो लिख सकते हो ना फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए वन कैन बी रिटेन एज कैन बी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या कंडीशन होंगे इसके साथ इफ सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए एक्स के बदले इधर कौन है एक्स बाई ए कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए प्लस वन से इसका मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए माइनस ए से प्लस ए समझ गए समझा पर अभी a नहीं पता है इसलिए इसमें a मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं a के बारे में पता नहीं ना कि a का साइन पॉजिटिव की नेगेटिव इसलिए इसको मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में जब तक पता ना हो तब तक मल्टीप्लाई नहीं करते ये बात मालूम आपको तो ये दो एनालिसिस थे अब तीसरा रिजल्ट जरा देखते जाना वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस वन वैल्यू बोलो कितना आया था वन प्लस प्लस नहीं प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स टू दी पावर फोर एंड सो वन इन्फिनिटी तक जाएगा इसी में देखना जरा वन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस वन का क्या सीन है एक्स के बदले माइनस एक्स डाल दे हर जगह आ जाएगा आंसर डालो
वन तो वन ही रहेगा, और जहाँ माइनस एक्स है वहाँ क्या बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, अरे रे माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, अब माइनस एक्स का होल क्यूब, एक बार और माइनस छोड़ेगा ये, अब पहले से एक और माइनस है, क्या बन जाएगा ये, प्लस एक्स टू द पावर क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स टू द पावर, समझा ये दोनों बात। चलो इसी प्रकार से ये आर वन हो गए, ये आर टू हो गए, यानी आर टू का मतलब रिजल्ट टू, ये तो जानते हो आप, मेरा कोड भाषा कोड वर्ड है वो आर वन आर टू, थर्ड रिजल्ट वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू, इसको अभी टैकल किया ना आपने, बोलो क्या क्या आता है, वन माइनस प्लस माइनस प्लस, देख के बोलो फाइव एक्स टू द पावर फोर एंड सो, चलने दो इसे, अब इसी में वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू हो जाए तो एक्स के बदले माइनस एक्स जाना, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यू, चलता रहेगा ये, ये आर फोर हो गए, चार रिजल्ट हो गए, ठीक। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए, ध्यान रखना कि अगर आपको कभी a प्लस एक्स को एक्सपांड करने को बोला जाए, जैसे a प्लस एक्स का पावर n को एक्सपांड करने बोला जाए, तो उसके लिए इधर पहले 1 बनाना जरूरी है, समझे, और 1 कैसे बनेगा, a कॉमन लेंगे, तो अगर a कॉमन लिया तो लिखूंगा क्या, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाई का होल पावर क्या है, n है ना, तो इसलिए लिख दूंगा a का पावर n टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाई का पावर n, और ये एक्सपांड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पे तभी लिखा जा सकता है जब ये सेकेंड टर्म 1 से, समझे, तो x बाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस वन से प्लस वन के बीच का रहना चाहिए, क्लियर है ये बात, थ्योरी समाप्त हो गया। क्वेश्चन इस पर पहला क्वेश्चन, इन वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस थ्री फाइंड थर्ड टर्म सिक्स टर्म फोर्थ टर्म, तीनों निकालो, देखो कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म होता क्या है यूजुअली एन सी थ्री इंटू एक्स टू द पावर एन, यही होता है, सॉरी एक्स क्यूब होता है, एन सी थ्री का क्या मतलब, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू एक्स क्यूब, चलो एन सी टू होगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसको फोर करते, फिर ये हटा दो, टी थ्री को टी फोर कर देते, क्योंकि अब तो मैं इतना सारा लिख चुका हूँ ना, इसको मैं नहीं काटूंगा, टी फोर क्या होता है, एन सी थ्री एक्स क्यूब, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई सिक्स एक्स क्यूब, चलो अब एन के बदले क्या पुट करना है जी, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है आपको, नहीं, माइनस थ्री, अगला क्या हो जाएगा, माइनस फोर, अगला क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, डिवाइडेड बाई क्या सीन है अपना, छः, ये तीनों मिलकर काट देगा इसको, दो जा एक्स क्यूब, क्या मिला आंसर, माइनस फाइव बाई टू टाइम्स ऑफ एक्स का क्यूब, इसमें कोई दिक्कत, चलो अगला क्या सीन है, टी सिक्स निकालना, टी सिक्स क्या होता है, एन सी फाइव एक्स का पावर फाइव, एन सी फाइव का मतलब एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर अपॉन वॉट, 120 इंटू एक्स टू द पावर फाइव, यही ना, अच्छा ये नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर तो आएगा, हे यहाँ तो विनाश हो गया था जी, चलो n के बदले क्या पुट करोगे अब, माइनस थ्री, माइनस थ्री पुट करोगे पाँच पुट करोगे, माइनस तीन पुट करूँगा, माइनस थ्री इंटू माइनस फोर इंटू ऐसा डिवाइडेड बाय टू इंटू तीन इंटू चार इंटू पाँच, इसको तो एक ही साथ खूब पाँच, एक माइनस बच जाएगा जी, एक माइनस बच जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको तो काट देंगे तो माइनस 21, और साथ में क्या सीन रहेगा, एक्स टू दी पावर, तो आंसर हो गया अपना माइनस 21 टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर, कोई दिक्कत इसमें किसी को, लिखना पसंद करेंगे, लिखिए ऑफ एक्स फाइंड एक्स
इफ 1 बाय 5 प्लस 4x का रूट कैन बी एक्सपेंडेड एज इनफाइनाइट सीरीज, कैन बी एक्सपेंडेड एज इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज तक जोड़ने के लिए पहले इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या इसे 5 प्लस 4x का पावर माइनस 1 बाय 2 भी लिख सकते हैं? इसे एक्सपांड तभी कर सकते हो जब यहां 1 हो। क्या तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 कॉमन लेना पड़ेगा। 1 प्लस 4 बाय 5 एक्स हो जाए का सामूहिक पावर कितना? माइनस 1 बाय 2। दिक्कत इसमें नहीं, नहीं। अच्छा 5 का पावर कितना? माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस 4 बाय 5 एक्स का पावर कितना? माइनस 1 बाय 2। इसके बारे में बता चुके हैं सेकेंड टर्म कितना होना चाहिए? माइनस 1 से प्लस 1, तो 4 बाय 5 एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? माइनस 1 इक्वल नहीं, प्लस 1 इक्वल नहीं। क्या करें अब? 5 मल्टीप्लाई कर दें या 5 बाय 4 मल्टीप्लाई कर दें? 5 बाय 4 मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस 5 बाय 4 से एक्स जो लाई करेगा वो 5 बाय 4 तक लाई करेगा। ये आपका आंसर हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? समझा ये कैसे किया? और वैसे एक ट्रिक ऐसे भी तो बताया था कि डायरेक्ट कि x बाय a का वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 होना चाहिए। अगर उस शॉर्ट रिजल्ट का यूज करते तो क्या होता है? x बाय a, x कितना है? 4x, 4x है ना। अब बाय a कितना है? 5। वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? यही तो बताया था। तो आंसर क्या होता है? माइनस 5 बाय 4 से x 5 बाय 4 तक। अब ये पसंद कि वो पसंद? दोनों एक ही क्या है? इसमें याद नहीं किया हमने, इसमें डायरेक्ट कंसेप्ट का यूज किया है और इसमें रिजल्ट का यूज कर लिया। इसमें हमको याद था, ठीक है। चलो अगला देखते सवाल। इस माइक को बंद कर देते, पी 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 बज रहा है। एक्चुअली दो दो माइक चलती है तो एक दूसरे का रेडिएशन टकराता है। ये एक आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। Assuming x to be so small, assuming x is so small, इतना छोटा कि x cube को so small that x square and higher power of x can be neglected, that x square can be neglected, can be neglected. अगर x square को neglect करने लायक है तो x cube को भी neglect करने ही लायक है। समझे क्या? मतलब x क्यूब x से बड़ा, x स्क्वायर से बड़ा कोई भी पावर नेगलेक्ट किया जा सकता है। देन एंड इफ 1 प्लस 3 बाय 4 एक्स का पावर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 16 माइनस 3 एक्स का पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स का पावर 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा एक्स। देन लेमडा क्या है? देन व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज व्हाट? व्हाट लेमडा इज? नहीं बनेगा ना? पहले हिम्मत हार दिए? शाबाश, खुद बनाओगे एक टाइम खोटी करोगे? बहुत बढ़िया चुनाव करते हो। टाइम खोटी तो टाइम खोटी मत करो फिर।
मैं ही बनाता हूँ। दो बाय तीन, टू बाय थ्री, ऐसा। एक एक बात बता दूं, एक बात बता देता हूं, दो बात बता दूं। पहली बात ये, बात नंबर वन, पहली बात ये है कि अगर आपको वन प्लस एक्स टू दी पावर एन हो रहा, एक्स काफी छोटा हो, तो उस केस में आप वन प्लस एन एक्स लिख सकते। पढ़ाया होगा किसी ने? नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूँ, बावड़े पूछ। एन सी जीरो, एक्स टू दी पावर जीरो क्या होता है? वन। अगला एन सी वन, एक्स का पावर वन। अगला एन सी टू, एक्स स्क्वायर पावर। और अगर एक्स स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, तो उसके आगे सभी टर्म क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। तो बता कौन? वन प्लस एन इंटू एक्स। एन सी वन की वैल्यू कितनी होती है? एन। तो वन प्लस एन एक्स ही है ना, वन प्लस एन एक्स। ऐसा आपको फिजिक्स वाले सर ने ये रिजल्ट जरूर पढ़ाए होंगे। नहीं पढ़ाए? कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। अरे तो मैं पढ़ाऊँ या वो पढ़ाए, बात तो देखिए, आपको पढ़ाने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है। वन प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, याद रहेगा? कब? When? When? X is so small. So small मतलब जानते हो? हाँ, तो यहाँ X क्या है? So small. तो one plus something equal to क्या हो जाएगा? ये वन हाइच नहीं, तो पहले से वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वन हाइच नहीं, पहले से वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करते वन प्लस थ्री एक्स बाय फोर का होल पावर कितना दी? माइनस फोर। एन के बदले माइनस फोर है यहाँ। और सोलह पावर वन बाय टू, सोलह पावर वन बाय टू, मन ही मन रखने का इधर, सोलह का पावर वन बाय टू। और अगर 16 पावर 1 बाय 2 गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 बाय 16। हाँ जी, 4 ही आएगा। 1 माइनस 3x बाय 16 का पावर कितना आ जाएगा जी? 1 बाय 2। समझा क्या? और ये 8 प्लस x का पावर नीचे 2 बाय 3 है। चचा ए इधर देखो ना, 8 प्लस x का पावर 2 बाय 3 है, ऊपर ले जाऊंगा तो 8 प्लस x का पावर माइनस 2 बाय 3 हो जाएगा। वो भी कर देते। और 8 प्लस 2x को, सॉरी 8 प्लस x को क्या लिखूं? तो 8 का पावर कितना आएगा? माइनस 2 बाय 3 आएगा ना जी, या नीचे आएगा 8 का पावर 2 बाय 3, एक ही बात है। और इनटू ये वाले ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस x बाय 8 का पावर माइनस 2 बाय 3। ये समझा आपको? चलो इसको देखो, ये 2 का पावर कितना है? दो है क्या? दो पावर दो है, चार है। और ये दो पावर कितना है? एट का पावर वन बाई थ्री कितना? टू। और टू का पावर टू फोर, और ऊपर वाला भी फोर, चार चार खत्म। खुपाच। अब इसके बारे में बताऊं, सिंस दिस इज टू स्मॉल, सो वन प्लस एक्स टू द पावर एन कैन बी रिटन एज वन प्लस एन एक्स। सो दिस इज वॉट? वन प्लस एन एक्स, एन कितना है? माइनस फोर इंटू थ्री एक्स बाय फोर। समझा क्या? अरे ये प्रॉपर्टी से ए भाई, खुद भी पढ़ लो, उसे भी पढ़ने दो। इसके मम्मी पापा ने बड़ी मेहनत से पैसा दिया हमें, अपना भी पढ़ लो, दूसरे को भी पढ़ने दो। उसके कान में फूक रहा है ये, वो अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है ये, इसके कान में कुछ कुछ बोले जा रहा है। क्या बोल रहा है आपके कान में? छोड़ो मेरे को जाना। वन, फिर वन बाय टू मतलब माइनस आ जाएगा, वन बाय टू टाइम्स ऑफ थ्री एक्स बाय सिक्सटीन इन टू वन माइनस टू बाय थ्री टाइम्स ऑफ एक्स बाय है। इसके आगे बढ़ते हुए वन माइनस थ्री एक्स इन टू
वाइन माइनस थ्री एक्स बा 32। चाचा एक काम करें, तीन तीन काट दें। नहीं क्या पता आप काट भी दो। वन माइनस एक्स बाय 24 का 2 12 हो जाएगा ना जी। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सपांसन को सिंपलीफाई करके दो ही टर्म लिख रहा है, एक तो 1 लिख रहा है और दूसरा x का कोफिशिएंट लिख रहा है। तो लेमडा पता लगाना है, मतलब इसके अंदर क्या चाहिए आपको, x का कोफिशिएंट चाहिए। मल्टीप्लाई करो इसको, 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। अब x का कोफिशिएंट चाहिए तो इसका ये मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों का 1 1 करना। अबे ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो x क्यूब ना हो जाएगा। अगर आपको x मल्टी x चाहिए तो 3x लिया तो इसका ये और इसका ये मल्टीप्लाई करूंगा। yes. और अगर 3x बाय 32 लिया तो इसका 1 और इसका 1 सॉरी इसका 1 और इसका 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। yes. और अगर x बाय 12 लिया तो इसका 1 इसका 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गया बात है? ओके x का कोफिशिएंट बनाने की कोशिश करने का शुरू करें। x का कोफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस 3x टाइम्स ऑफ कौन जी 1 टाइम्स ऑफ कौन जी 1 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखेंगे काम चल जाएगा? पर लिखेंगे। अच्छा देखो, माइनस 3x बाय 32 इसके साथ कौन कौन आएगा लिखना जरूरी, पर लिखेंगे। x बाय 12 क्या 1 × 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 सबका माइनस कॉमन आ सकता है क्या? तो माइनस भी कॉमन लिया, अब एक्स भी कॉमन लूंगा, बराबर 3 × 1 × 1 311 कि 3 शाबाश। प्लस कि माइनस, अबे माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस ही बचेगा ना, फिर 3 बाय 32। अगले 1 बाय 12 यही लेमडा है क्या? ये करते आएगा 96 × 3 96 × 3 में 300 में से 12 कम 288 आप प्लस 32 को 3 जा होता ना 9 आप प्लस 12 से 8 जा। हाँ एक मिनट में आता हूँ, चलो ऐड करो इसे। 305 है क्या वो? तो 305 बाय 96 और चूंकि नेगेटिव था ना तो ये इसको क्या कर देंगे माइनस साइन के साथ, तो माइनस 1 − 305 यानी लैम्डा का वैल्यू सीधा सीधा आ चुका हमको −305/96। 1 + लैम्डा एक्स दिया था तो माइनस लैम्डा एक्स, तो माइनस पहले से दिया था तो इसलिए लैम्डा का वैल्यू कितना रहा 305/96। समझ गया क्या? पल्ले पड़ा ध्यान से। इफ एक्स इज वेरी लार्ज, एक्स इज वेरी लार्ज, लार्जर देन वाई, देन एंड एक क्लास खुद शांत होगा कि मैं करूं, मैंने मुक्का मारूंगा किडनी फोड़ दूंगा। ए हो ही नहीं रहा, क्या क्या धमकी दूं अब। प्लस अंडर रूट एक्स बाय एक्स माइनस वाई, प्लस नहीं हो मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल टू 1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई बाय एक्स को होल स्क्वायर। बताओ लैम्डा क्या है? लैम्डा इक्वल टू व्हाट? व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज व्हाट? पर देखो सुनो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू, 1 + 1/2 आया क्या पता मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया हो, पर नहीं नहीं 1/2 है। देखो मैं कर देता हूँ, ये रूट एक्स ऊपर आ जाएगा एक्स, ओके x + y x² - y² है
नीचे ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर माइनस वन बाई टू। चौंक गए क्या? आए पता चला क्या हुआ ये? ओके सिंस एक्स इज वेरी लार्जर देन वाई सो वाई बाय एक्स इज स्मॉलर देन वन। क्या बोलते हो? अरे दिया है ना एक्स इज वेरी लार्जर देन वेरी वेरी लार्जर देन वाई सो वाई बाय एक्स इज इट मीन्स व्हाट वाई इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एक्स सो वाई बाय एक्स इज स्मॉलर देन वन। यही तो चाहिए होता है। तो वाई स्क्वायर भी तो वन स्क्वायर से छोटा होगा। तो देखो अब ये चीज तो एनालिसिस था इसका जरूरत नहीं है। एक्स टाइम्स वाई स्क्वायर इसमें यहाँ वन बनाना पड़ेगा ना जी वन माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का पावर माइनस वन बाय टू साथ ही एक्स स्क्वायर का पावर भी माइनस वन बाय टू इन टू एक्स। समझे क्या? ये एक्सपांसन है एक्सपांसन नहीं जल्दी कट गया। कैसे कटता मालूम? मैं आपके कटने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ एक्स के कटने की बात कर रहा हूँ। वन माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अब क्या करें? हाँ करेंगे कुछ। अब अगर वाई जो है वो देखो ध्यान से वाई स्क्वायर इसको ऐसा लिख दो वन माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर का पावर कितना? और कल ही आज ही बताया ना वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। अगर ये नंबर काफ़ी छोटा हो जाए तो अब वैसे भी है यही बोल रहा है कि वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो दूसरा टर्म है उसी का तो दूसरा टर्म क्या है इधर यही तो है। तो इसको क्या लिखेंगे? वन प्लस एन टाइम्स ऑफ एन के बदले माइनस वन बाई टू इन टू क्या किए? अरे तो अभी करूंगा ना माइनस वन बाय टू ये तो एन हुआ और एक्स के बदले क्या रहेगा? माइनस आ जाएगा। मेरा सही था पर आप जैसे सोच रहे हो वैसे ठीक है। माइनस एक्स के बदले क्या लिखूंगा? वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ एक्स के बदले माइनस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर लिखने वाला था वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है कुछ कुछ क्या मिला? वन प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो? लेमडा क्या मिला? कितना आसान था यार ये। आप चाहते तो बड़ी आसानी से बना सकते थे। नेगेटिव टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन वन प्लस एक्स टू द पावर सेवन बाय टू सच दैट एक्स पॉजिटिव इज व्हाट एनसीआर एक्स टू द पावर आर यही होता। इसमें तो हम पुट नहीं कर सकते हमको जरूरत पड़ती है n इंटू एन माइनस वन। तो इस केस में जनरल टर्म क्या होगा इसका? एनसीआर इसको पुट करेंगे तो पहले तो आएगा सेवन बाय टू फिर आएगा सेवन बाय टू माइनस वन फिर आएगा सेवन बाय टू माइनस टू फिर आएगा सेवन बाय टू माइनस थ्री फिर आएगा सेवन बाय टू और जब माइनस फोर आएगा तब आएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और यहाँ कितने टर्म मल्टीप्लाई हुए? एक दो तीन चार पाँच तो नीचे पांच फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा और एक्स टू दी पावर कितना आएगा जी? फाइव ही आएगा एक्स टू दी पावर फाइव ही आएगा। तो ये किस प्रकार का फॉर्मेट पर है? एन सी पाँच ना एन सी पाँच और हमको वो टर्म चाहिए था ना तो टर्म यही है फर्स्ट नेगेटिव टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और ये कौन सा टर्म है? अगर पांच फैक्टर मल्टीप्लाई हो तो छठवां टर्म होता है और जीरो फैक्टर मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट टर्म होता है और सेकंड टर्म में एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है और थर्ड टर्म में दो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पांच फैक्टर मल्टीप्लाई होता है छठवां टर्म तो ये क्या रह जाएगा? टी सिक्स। वैल्यू कितनी आएगी इसकी?
पहले तो 1 बाई फाइव फैक्टोरियल कॉमन ले लो, फिर सब में दो 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 आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, वहाँ भी आएगा। चलो इसको लिखो 7/2, उसको क्या लिखोगे? ये 3.5 है ना, 3.5 में से एक 2.5 हो गया, 5/2। अगले को क्या लिखोगे? 3/2। अगले क्या लिखोगे? और अगले क्या लिखोगे? टाइम्स ऑफ x^5। ये देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गया, काट सकते हो तो काट लो, काट तो सकते ही है। 5 को क्या लिखेंगे? 5 × 4 × 3 × 2, यही लिखेंगे। 5 और 3 तो आपस में कट ही जाएंगे। कैलकुलेट करो कितना हुआ, ऊपर ऊपर हुआ -7, नीचे कितने हुए? 2 × 2 एक बार, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, तो 2^8 × x^5। सो -7 × 2^8 इज 256 x^5। फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज दिस, यही हो गया आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझा सब लोगों को? Yes, कि नहीं समझे? दोबारा समझा दूं क्या? Yes, दोबारा समझा दूं? Yes, देखो भाई एनालिसिस को ध्यान से देखना। पहले टर्म में क्या होता है? 1 आता है, दूसरे में NC1, तीसरे में NC2 वाला। NC2 में 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें पहले में n के बदले क्या पुट करूंगा? 7, और फिर 7/2 − 1। 7/2 का क्या मतलब होता है? 3.5, ये नहीं होता है 3.5। तो ये 3.5 है, ये 2.5 है, और ये और ये और ये −1.5। जैसे ही नेगेटिव आया तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा, तो ऐसे 1-1 सब्ट्रैक करते जाइए। कितने बार में आपको मिल जा रहा है नेगेटिव? 6 टर्म तक, तो 6 टर्म आपका नेगेटिव हो गया, यही आपका टर्म है। इससे पहले के 5 टर्म लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको जो नेगेटिव टर्म चाहिए हमने वही लिखा डायरेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड कोफिशियंट ऑफ x^6 (1/1 + 2x). आगे क्या कर सकते हैं ये सोचना है। ये क्या लिखा है? 1 + 2x^-1 ही तो लिखा है, उसको एक्सपांड करेंगे, x^6 वाला टर्म चाहिए बस। बताओ निकाल के। आज जो लोग पढ़े नहीं रहते, जो लोगों को ये सब चीज़ याद नहीं रहता, अगर उसके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। 1 + 2x में तो कुछ है ही नहीं, x^5 में तो 6 कैसे आएगा। पर जो लोग पढ़े हुए रहते हैं वो नहीं चौंकते, वो समझ जाता है कि अच्छा इसको 1 + 2x^-1 लिखेंगे, उसे एक्सपांड करेंगे, उसमें x^6 आएगा। उस एक्सपांसन को लिख देंगे 1 + 2x^-1, और अगर x^6 चाहिए तो 2x^ कितना देना पड़ेगा? 6। और अगर 2x^6 दिए हैं तो रिक्वायर्ड टर्म जो होगा, रिक्वायर्ड टर्म वो 2x^6 देने पर आएगा। और अगर 2x^6 दिए हैं तो 6 टर्म मल्टीप्लाई भी करो, वो क्या होता है? n (n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)(2x^6) डिवाइडेड बाय व्हाट? 6 फैक्टोरियल। यही ना आपका रिक्वायर्ड टर्म है। और इसमें पुट क्या करना है n के बदले? तो आंसर क्या आ जाएगा जो आएगा देखना, मैं पूछता आंसर क्या आ जाएगा, बोला जो आ जाएगा देख लेना। क्या आ जाएगी? −1 × −2 × −3 × 2 × 2^6 × x^6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6। ये माइनस माइनस कितने बार माइनस? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है ना, तो इवन टाइम्स माइनस खत्म हो जाता है। और 6, 5, 4, 3, 2, 1 फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या रहा? तो आंसर क्या आया? 2^6 64। आसान था ये। चलो